हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कोई रेमेडी शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं आज आपको एक जो फेमस बाबा हैं उनकी सच्चाई बताने जा रही हूँ। सच्चाई समझ लीजिए या उनके बारे में कुछ जो बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। तो मेरी कंडीशन नहीं थी ये वीडियो बनाने की, बट मेरे अंदर एक गुस्सा है जो मुझे निकालना था, ताकि कोई इस बाबा की वजह से दोबारा बेवकूफ़ ना बन पाए। तो अभी मेरे पापा की डेथ को हुए 1 हफ्ता हुआ है, और बड़ी हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ। लगभग 4.5 महीने पहले मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे, बहुत काम करते थे, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, उनका अपना बिजनेस था, काम में लगे रहते थे। पर 4.5 महीने पहले अचानक से, मतलब उनको काफ़ी साल से हिचकियाँ आती थी बहुत, बट हमें इतना नॉलेज तो थी नहीं, तो हम पास के डॉक्टर को दिखा दिया करते थे, कुछ रेमेडी अपना लिया करते थे तो ठीक हो जाते थे। फिर 4.5 महीने पहले क्या हुआ, वो उनको हिचकियाँ लगातार आ रही थी, ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर को भी दिखाया बट कोई आराम नहीं मिला। तो एक दिन वो बाथरूम के बाहर गिर गए, उनको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला, जो थोड़ा लोकल डॉक्टर होते हैं, कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे उनकी नाक में से ब्लड आने लग गया। तो ये जो हॉस्पिटल था वो था सेंट स्टीफन 30,000 पे। तो उन लोगों ने मेरे पापा को कम से कम 15-20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा, बता नहीं रहे थे क्या दिक्कत है, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, और एक दिन के 27,000 से 30,000 का बिल बना देते थे, उससे ऊपर का भी बन जाता था। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो रिकवर हुए, 25 दिन बाद हम उनको घर ले आए। फिर 2 दिन वो ठीक रहे घर आके, फिर उनकी कंडीशन, उनको बहुत वोमिटिंग होती थी, बहुत हिचकियाँ आती थी, कुछ ज़रा सा खाते थे तुरंत वोमिटिंग हो जाती थी। तो उनको फिर दोबारा हमने सोचा कि स्टीफन नहीं ले जाएंगे, हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर ले गए। तो उन्होंने बोला कि इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, ICU की ज़रूरत है, और हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इनको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर हमें स्टीफन ही जाना पड़ा। तो हम लोग स्टीफन दोबारा गए, वहाँ पे उनको पहले भी ICU में ही रखा हुआ था, उनको मतलब 15-20 दिन ICU में रखा था, फिर उनको वार्ड में शिफ्ट किया था, फिर से उनको ICU में ले लिया गया। मेरे पापा बहुत गुस्सा करते थे कि ये लोग मुझे बहुत दवाइयाँ खिलाते हैं, क्योंकि वो कभी इतनी दवाइयाँ खाते नहीं थे। तो उनको ICU में रखा, फिर उन्होंने कम से कम मेरे पापा को 1 महीने रखा, रोज़ नए नए टेस्ट, रोज़ नए नए टेस्ट चलते थे उनके। तो फिर जब काफ़ी टाइम हो गया, मेरे पापा को 2 महीने हॉस्पिटल में हो गए, तो हम लोग थक गए कि भाई क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, क्या दिक्कत है, कभी बोलते हैं अल्सर है इनको पेट में, कभी बोलते हैं इनके अंदर खून की कमी है। फिर उन्होंने लास्ट में बताया कि इनको इनका क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, 3.5-3 के लगभग क्रिएटिन था। कोई बात नहीं भाई, फिर जब 2 महीने हो गए, रोज़ की 18-18 की दवाइयाँ आ रही हैं, अलग से बिल आ रहा है बेड का। तो फिर जब उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए, लगभग 4 लाख से, मतलब 4 से 5 लाख के बीच में बिल बन गया था। तो तब उन्होंने बोला कि हम सब कुछ कर चुके हैं और अब कुछ नहीं हो पा रहा है हमसे, और अब आप इनको घर ले जाइए, घर पे इनकी सेवा कीजिए, और ये ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो उन्होंने अपना अच्छा कहाँ से बिल बना लिया, हम लोग अपने घर उनको ले आए। फिर घर पे आके वो 2-4 दिन ठीक रहे, फिर उनको वही वोमिटिंग, बहुत वोमिटिंग होती थी, कि वो हाइतोवा मचाने लग जाते थे कि इतनी वोमिटिंग क्यों हो रही है, और फिर हिचकियों से परेशान थे बहुत ज़्यादा।
फिर पड़ोस में एक आंटी थी, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी। किसी ने बताया कि वो मरने से बच गई हैं, वहाँ पे दिखा लो, एक हॉस्पिटल है हमारे इधर। तो वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने एक दो दिन एडमिट रखा पापा को। फिर उन्होंने भी बोल दिया एक दो हफ्ते बाद कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, बट उनकी दवाई से कुछ थोड़ा सा वो रिकवर हो रहे थे। फिर कुछ दिन बाद फिर वो वैसे ही होने लग गए। मतलब यही सब चलता रहा। मैं अपने ससुराल से घर जाती थी, पापा को देखती थी, डर लगता था। फिर एक दिन मैं गई, मेरा बड़ा भाई घर पे नहीं था, वही उनको लेके जाता था। तो मेरी मम्मी रो रही थी, तो मतलब बाबा बालकनाथ का तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने एक दिन फेसबुक चलाया, तो उसमें लिखा हुआ है कि बिना डायलिसिस के किडनी लीवर की जिनको प्रॉब्लम है उनको हम ठीक कर देंगे। तो ये द्वारका मोड़ की तरफ का कोई आया था, तो मुझे लगा शायद भगवान ने मेरे लिए भेजा है, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। तो मैंने भाई से बात की, बोला ठीक है तू दिखा ले, मैं शाम तक आ पाऊँगा। मैंने वहाँ पे उस नंबर पे बात की, वो बोला हाँ द्वारका मोड़ पे आप आ जाओ, यहाँ पे हमारा क्लिनिक है, डॉक्टर साहब बैठते हैं। हम लोग ले गए उनको, उनने दवाई के डब्बे हब्बे दिए, 3,500 की दवाई दी। तो लगा कि हाँ भाई पापा ठीक हो जाएंगे, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बारे में मैं दोबारा कभी वीडियो बनाऊंगी। उसे 2 बार दवाई लाए, 15 15 दिन की, 3,500 की, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे पापा को वही उल्टियाँ उल्टियाँ हिचकियाँ, लगता था कहाँ दिखाएँ कहाँ दिखाएँ। तो फिर किसी ने बताया रिलेटिव ने कि एक नांगलोई के पास एक बाबा हैं, वैद्य हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनको दिखाओ, ठीक हो जाएंगे। बहुत लोग ठीक हो गए हैं। तो मेरी ताई की एक बहन थी, वो ठीक हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसको। तो फिर जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो आदमी वहीं चला जाता है। तो हमने सोचा, मेरा तो ये था कि बाबा रामदेव के यहाँ ले जाओ हरिद्वार, बट अपने हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे बच्चे भी छोटे थे जो मैं उनको नहीं ले जा पाई। तो फिर हमने सोचा कि हम दिल्ली में तो रहते हैं, हम यहीं ले जाते हैं नांगलोई नजफगढ़। तो मैंने यूट्यूब पर उनके बारे में बहुत कुछ सर्च करा, तो कई लोगों ने उसमें लिखा हुआ था ये बाबा फ्रॉड है, बहुत पैसा लेता है, मेरे पापा इसके एक्सपायर हो गए, मेरी मम्मी की एक्सपायर हो गई, मेरी बहन एक्सपायर हो गई। लेकिन कई लोगों ने अच्छे रिव्यू भी दिए हुए थे कि इस बाबा से मैं ठीक हो गया, इस बाबा ने मुझे दोबारा जीवन दान दिया है। तो हमें लगा कि भाई जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है, तो चलो यहाँ भी ले चलते हैं। तो भाई मम्मी सब गए थे, मैं तो खैर अपने ससुराल में ही थी। तो वहाँ उन्होंने बताया कि वो नाड़ी मतलब नब्ज़ देख के ही बता देता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसने बाबा ने पापा की नब्ज़ देखी और बोला कि इनका लीवर ख़राब है। तो बोलता है कि मैं इनको एक दवाई दूंगा, अगर ये फ्रेश हो जाते हैं, इनको पोटी आ जाती है, तो मैं इनको दवाई दूंगा आगे, तभी ठीक हो पाएंगे, और अगर इनको ये फ्रेश नहीं होंगे तो इनको नहीं ठीक हो पाएंगे। तो फिर हमने पापा को वहाँ पे सुबह ले गए थे, वो लोग तो दवाई दी, वो गोलियाँ वगैरह दी थी उसने 2 3 2 शायद फ्रेश होने के लिए। तो शाम तक उन पापा को मतलब फ्रेश हो गए थे वो। तो उस पापा ने उनको दवाइयाँ दी, 29,000 के समथिंग पैसे लिए थे, और 15 दिन की दवाई ली थी हमने, वो महीने की देता है, बट हमने बोला कि 15 दिन की ही दवाई दो, क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे 15 दिन की ही दवाई लेते थे, क्योंकि मेरे पापा दवाइयाँ नहीं खा पाते थे, उनको वॉमिटिंग होती थी। तो हम दवाइयाँ लेके घर आ गए, तो उसने बोला कि एक्यूप्रेशर होता है पैरों में, लकड़ी से कुछ करते हैं, वो देने के लिए आना पड़ेगा इस दिन 2 दिन बाद। बुलाया हम गए पापा को लेके, तो फिर बोलता है कि 1 महीने तक रोज आना पड़ेगा। मेरे पापा की कंडीशन ऐसी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे, ये था कि वॉशरूम चले जाते थे डंडा वगैरह पकड़ के, लकड़ी पकड़ के, तो ऑटो में बिठा लेते थे कभी गाड़ी में, जैसे गाड़ी नहीं तो ऑटो में, ऑटो में भी 1,000 रुपये लग जाते थे रेंट के। तो जब
दवाइयाँ देखी मैंने, इतनी सारी दवाइयाँ, मतलब मैंने तो कोई ऐसा वैद्य नहीं देखा जो इतनी सारी दवाइयाँ देता है। बहुत सारी दवाइयाँ थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी, मतलब जैसे गंगा जल भरने जाते हैं ना, 10-10 लीटर की, 5-5 लीटर की बोतलें, उनमें जल पता नहीं क्या था, लिक्विड, और मुरब्बे दे रखे थे, और मतलब 5-6 डब्बे मुरब्बे, गोलियाँ, चूरन, मतलब कितनी बताऊँ आपको कि 2-3 थैले भर जाएँ आराम से बड़े बड़े। तो और उसने खा, वो क्या करता है कि जब किसी का इलाज करता है तो खाने पीने को सब मना कर देता है, बस उसके उसकी दवाइयाँ खाओ, मुरब्बे खाओ। मेरे पापा डायबिटीज़ के भी पेशेंट थे, और क्या देता है वो शहद से खाने को देता है। तो पापा को दवाइयाँ दी, 1 हफ्ते दवाई दी, तो एक दिन लगा कि वो थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं, खुश थे हम लोग तो, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे वीकनेस पैदा हो रही थी और भी ज़्यादा, क्योंकि खाना वो खा नहीं रहे थे, डॉक्टर उसने मना कर दिया था वैद्य ने। तो एक दिन रात को बाथरूम जा रहे थे, मम्मी की आँख नहीं खुल पाई, गिर गए, 1 घंटे तक बाथरूम में पड़े रहे, मतलब ये सब बातें मुझे मम्मी फ़ोन पर बताती थी। तो फिर 1 घंटे बाद किसी ने सुना, उनको वहाँ से उठा के लाए, फिर भी लगा कि धीरे धीरे वर्क करेगी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो अभी मेरे पापा ट्यूसडे को ख़त्म हुए थे 1 तारीख को, तो फ्राइडे को मैं गई थी उससे पहले अपने पापा से मिलने। तो सैटरडे को मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ उस बाबा के यहाँ, क्योंकि 1 महीने तक बुलाया था उसने, तो मैं भी ऑटो में बैठ के चली गई पापा के साथ। तो मेरे पापा की कंडीशन ऐसी थी कि छोटा बच्चा भी नहीं चल पाता है ऐसे। और वहाँ जब मैं गई तो नांगलोई नजफगढ़ के रास्ते में वो पड़ता है, बहुत मतलब बहुत ही दूर था, बहुत ही दूर था, कोई बात नहीं पहुँच गए। तो एक बड़ा सा घर सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, उसने लिखा हुआ है बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट। सोच रही थी वीडियो बनाऊं, लेकिन पापा की वहाँ पे हालत ऐसी थी कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाई उसके, जो भी था उसका घर वगैरह। तो मैं वहाँ देख के थोड़ा शॉक थी, वहाँ इतनी गंदगी, मतलब झाड़ू पोछा भी नहीं कर रखा, इतनी मिट्टी, मक्खियाँ भी नकरी हैं, और इतनी गंदगी पानी के आसपास, देख के मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था। कोई नहीं, फिर वहाँ पे अंदर मैंने मम्मी, मेरी बेटी छोटी है तो मैंने मम्मी को उसके पास बैठा, मम्मी के पास बैठा दिया, मैं पापा को अंदर लेके गई। वहाँ पे एक रूम सा बना हुआ है, तो जो उसके वर्कर होते हैं बाबा के, तो वो पापा के पैरों में लकड़ी से कुछ एक्यूप्रेशर दे रहे थे। उनका बिहेवियर इतना गंदा था कि मुझे पापा को देख के तो रोना आ रहा था, लेकिन उनका जो बिहेवियर था, पैर उठाओ, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, अरे सामने वाले की कंडीशन तो देखो, मैं उठा रही हूँ पर उनको इतनी जल्दी कि उठाओ उठाओ जल्दी। उनका बिहेवियर देख के मैं बहुत रोई। मेरी मम्मी बोली कि शायद बाबा ने कुछ बोल दिया है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मम्मी बोली क्या हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ, पापा को देख के रोना आ गया। कोई नहीं, मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले थे, तो जो इतना चल रहे थे वो। फिर मैंने देखा, मुझे लगा ये बाबा इतना फेमस है, मुझे तो शायद मिलेगा नहीं देखने को, बट वो बाबा का टाइम 3:30 बजे उतरने का है, ऊपर से अपने ऊपर रहता है वो, आया नीचे, धोती बांध रखी थी येलो कलर की ओनली। मैंने देखा, मैंने कहा इस बाबा के सामने रोऊंगी थोड़ा, बोलूंगी मेरे पापा को ठीक कर देना बाबा। तो देख रही हूँ वो इधर से उधर भागे जा रहा है, इधर से उधर भागे जा रहा है, किसी से ढंग से बात नहीं कर रहा। तो मैंने हिम्मत करके मैं गई उसके पास, मैंने बोला बाबा मेरे पापा को बहुत उल्टियाँ आती हैं, वोमिटिंग होती हैं, तो कोई दवाई का नाम बताता है कि पता नहीं क्या 51 वो दवाई है, वो दे देना। फिर वो मैं एकदम से दूसरी तरफ भाग गया। तो गाइस मैं उन बाबा के पास जाती हूँ, बाबा जी मेरे पापा को उल्टी आ रही हैं, तो दवाई का नाम बता देता है कि ये दवाई दे रखी है और ये ले लीजिए। फिर मैं देखती हूँ वो दोबारा से भाग जाता है, मतलब इस रूम में कभी इधर कभी उधर। फिर मैं दोबारा से उसके पास जाती हूँ, बाबा जी मेरे पापा को हिचकियाँ बहुत आ रही हैं,
फिर वो कोई दवाई का नाम बताता है, 31C ऐसे कुछ, जो वो दवाएं देते हैं उन पे लेबल लगे होते हैं 31, 51 ऐसे करके, कि वो दिए तो मैं वो दे देना। मैंने कहा बाबा जी खांसी भी आ रही है, ये दवाई दे देना, पेशेंट को नहीं देखना, बस ऐसे ही दवाइयों के नाम बता देना, ठीक है कोई बात नहीं। और हाँ मैं ये तो बताना भूल गई, तो 29,000 की दवाई दी थी, उसके बाद उसने 5,000 की दवाई फिर से, मतलब 35,000 की दवाई टोटल मिला के 15 दिन की उसने दे दी थी। फिर वहाँ के जो वर्कर थे उनका बिहेवियर बहुत गंदा था, उस बाबा का भी बिहेवियर बहुत गंदा था। वो मतलब मैं उसको देख रही थी कि वो किसी से बात नहीं कर रहा ढंग से, और जो शायद नया पेशेंट आता है उनसे ही ठीक से बात करता होगा, अदरवाइज वो किसी से ऐसे भी ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, जैसे कि वहाँ पर मैंने 2-4 लोगों से पूछा, मेरी मम्मी भी पूछती रहती थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा था। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अगर आपके पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि मेरे पापा बहुत वीक थे और बहुत कमज़ोर थे, और हम लोग वहाँ पे चले गए, तो सबसे बड़ी गलती हमने यही कर दी कि उनके अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, और फिर भी हम लोग वहाँ चले गए। वो बाबा खाना पीना बंद करवा देता है, ठीक से बात नहीं करता है, तो ऐसी जगह पर अपने पेशेंट को ना ले जाएं, इससे अच्छा कहीं और ले जाइए। तो फिर वो दवाइयाँ पापा की चल रही थी, जबरदस्ती उनको खिलाते थे, हर एक दवाई शहद से होती है, और आप सभी जानते हैं डायबिटीज़ वाले मरीज को शहद मतलब मीठा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उनको हम जैसे जैसे दवाइयाँ दे रहे थे मन भी उब जाता है मीठा खा खा के। तो मेरे पापा को दवाई खाते हुए 12-11 दिन ही हुए थे, उनकी हालत बिल्कुल डाउन हो गई। जैसे मैंने बताया मैं फ्राइडे को गई थी, मैं संडे को वापस आई हूँ, तो मुझे देख के लग तो रहा था कि मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बट ये नहीं सोचा था कि वैसे छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि संडे को मैं आ गई थी, ट्यूसडे को खबर आई कि मतलब हमने सोचा कि पापा को कहीं और दिखाते हैं, मैंने मम्मी से बोला भाई से बोला, तो वो लोग मेरठ उनको ट्यूसडे को सुबह ले जा रहे थे कहीं हॉस्पिटल में लीवर किडनी के, तो आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाए थे, और मेरे पापा वहाँ पे चले गए दुनिया छोड़ के। तो जब से इस पापा की दवाई कराई तब से उनको आराम नहीं मिला, वो और भी जाते गिर गए। हमें पता है कि ठीक है वो नहीं चलने वाले थे ज़्यादा, 2-2 डॉक्टर ने मना कर दिया था, बट लोगों को 2-2 साल हो जाते हैं पड़े हुए, वो इस बाबा की दवाई खा के एकदम से चले गए। तो मैंने यही सबक लिया कि इस बाबा की दवाई मत लीजिएगा, और लेनी है तो तब लीजिए जब आपके अंदर स्टैमिना हो, ताकत हो, अदरवाइज़ इन ठगी भावों के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपको कुछ भी कमेंट पूछना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती।